किसान अब परंपरागत खेती छोड़ विकल्प तलाश रहे हैं। पारंपरिक फसलों के अलावा सब्जी, फूलों और फलों की खेती की और तेजी से रुझान बढ़ा रहे हैं। गुना के दो किसान ऐसे हैं जिन्होंने एक पहल की और आज परंपरागत से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। वे गेंदे की खेती कर रहे हैं। इन दिनों फसल पूरी तरह तैयार है। इनकी तरह कई किसान की तकदीर गेंदे ने बदल दी है। असम में पिछले कई साल से सोयाबीन, धनिया समेत अन्य फसलों में हो रहे नुकसान को देखते हुए किसान वैकल्पिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर गढ़ा गांव है। यहाँ किसान मुकेश कुशवाहा और कमल सिंह कुशवाहा है। 5 साल पहले पारंपरिक खेती छोड़ एक बीघा में गेंदे के फूल की खेती शुरू की। पहले ही साल अच्छा मुनाफा हुआ। अब वह करीब 5 बीघा जमीन में फूलों की खेती कर रहे हैं। वह गुना, अशोकनगर समेत भोपाल, ग्वालियर और इलाहाबाद तक फूल भेज रहे हैं। हर साल इसमें प्रति बीघा 25 से 30 हजार रूपए खर्च कर सालाना 4 से 5 लाख रूपए की कमाई कर रहे हैं। गेंदा ऐसा फूल है जिसमें सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके फूलों को साल भर में 10 से 12 बार तोड़ सकते हैं। किसान मुकेश कुशवाहा ने बताया कि गेंदे की फसल के लिए जून के महीने में खेत तैयार करना शुरू कर देते हैं। पहले देसी खाद, सुपर खाद को मिक्स कर डाली जाती है। इसके बाद खेत की गढ़ाई करना शुरू होती है। 8 से 10 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर क्वारी यानी बेड बनाई जाती है। यह करीब 3.5 फीट चौड़ाई की बनाई जाती है। एक से दूसरे क्यारी की दूर करीब 3 फीट रखी जाती है। अब बारी आती है बीज डालने की। बीज डालने के 15 दिन बाद क्वारी को मिट्टी से भर दिया जाता है। हर 10 से 12 दिन में सिंचाई की जाती है। पौधे थोड़े बड़े होने पर दोनों ओर रस्सी लगाई जाती है जिससे बेड छूके नहीं और टेढ़ा न हो।